सोच टीवी में भलीकार ख़बर शामिल कयूं था। सेवण शरीफ मां असांजे सोच टीवी जे ब्यूरो चीफ अली खान लाखो जे रिपोर्ट मुताबिक सेवण शरीफ में दरगाह हज़रत पीर मियां मीर अली शाह लाहौर जे सजादा नशीन सैयद हारून अली गेलानी जी सेवण शरीफ आमंद। दरगाह हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर जे सजादा नशीन डॉक्टर सैयद मेहदी रज़ा शाह सां संदस चाचे मरहूम सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह जी ताज़ियत कई, जंहिंखां पोइ हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर जी दरगाह ते पहुची मज़ार ते गुलनि जी चादर चाढ़े मुल्क क़ौम ऐं बरसाति जे मुतासिरनि जे लाइ ख़सूसी दुआऊं घुरियूं हुयूं। जंहिं बाद सैयद मेहदी रज़ा शाह तरफ़ां दरगाह जे सोने गेट घड़ियाल ऐं धमाल बाबति पिणु आगाह कयो वियो। सजादा नशीन सैयद पीर हारून अली गेलानी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर जी मज़ार ते अचण सां दिली ऐं रूहानी सुकून मिलियो आहे। वधीक पैगाम ॾींदे हुन चयो त हिते कंहिं बि मज़हब रंग ऐं नसल जी न बल्कि इंसानियत प्यार ऐं मोहबत जी ॻाल्हि आहे, जेको बुज़ुर्गनि ऐं ओलिया ऐं अल्लाह जो बि पैगाम आहे। टाइम दिया और मैं इस वक्त पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीर सैयद हारून अली गिलानी साईं का, जो कि सजादा नशीन है दरबार हज़रत मियां मीर लाहौर के। तो इन्होंने आज मेहरबानी फरमाई है, हमारे मेहमान बने, सेवन शरीफ पहली बार तशरीफ़ लाए, दरबार कलंदर पे हाज़िरी दी है। तो मौला पंचन पाक से हमारी दुआ है कि साईं की हाज़िरी कबूल हो और साईं की जो भी मोहब्बत भरी इनकी जो भी दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। उसके बाद आपने जो बात का सवाल किया है, साईं ने भी उसी तरफ इशारा किया है कि ये हमारा वाकई हमारे कल्चर में ये चीज़ फैली हुई है। पब्लिक भी ऐसी है तो इस पब्लिक से जो सरकारी मुलाजिम बनते हैं वो भी वैसे ही हैं, तो उनको चाहिए कि कम से कम दरबारों पे अपनी जो है वो सफाई की मेंटेनेंस बेहतर रखें। साईं मेहदी शाह साहब का जो है वो इतातमदार आपका छोटा भाई हूँ, आपने ये सादत बख्शी मुझे कि ये ज़ियारत का शर्फ मुझे हासिल हुआ। दरगाहों का तो आपस में हम मुवाजना कर ही नहीं सकते, वो तो हमारी औकात से बाहर है, लेकिन जो चीज़ मैं आज बताना चाहता हूँ वो ये है, तो बहुत कम हुआ है मेरे साथ कि मैं किसी दरगाह पर अगर हाज़िर हुआ हूँ तो वहाँ जो है वो जज्बात जो हैं वो काबू में ना रहें। और मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ साईं के साथ तो यूँ था कि जैसे मेरी जो वो रूह है वो अपने जिस्म को छोड़कर वो कलंदर की बारगाह में पेश हो चुकी है।